नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका मेहता। आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये महीना है पिंक अक्टूबर। पिंक अक्टूबर होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, जहां हम इनकरेज करते हैं कि महिलाएं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर वो नहीं कर रही हैं तो हर महीने उसको करना शुरू करें, और अगर उन्होंने मैमोग्राम, जो कि स्क्रीनिंग मैमोग्राम कहते हैं, 35 या 40 इयर्स की उम्र के बाद में, हम इनकरेज करते हैं कि महिलाएं जो हैं स्तन के कैंसर का या ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन के लिए एक टेस्ट होता है मैमोग्राम, उसको भी करना शुरू करें 35 या 40 साल की उम्र के बाद में। तो पहले मैं बात करूँगी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत ही सिंपल और बिल्कुल, इसमें आपको कोई किसी को पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप घर में खुद आपको करना है, अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। जब आपका पीरियड, या आप कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं, 30 इयर्स, 30 साल की उम्र से आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को खुद आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कब करना है, जब आपको जैसे पीरियड हुआ है, आपके जो महावारी है उसके ख़त्म होने के बाद में, आपका पीरियड अगर 4 या 5 दिन का है तो 6ठे या 7वें दिन से, तो जो आपके पीरियड्स के पहले 10 दिन हैं उस टाइम में आप ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको उसमें जो है एक कंफर्टेबली आप कर पाएंगे। क्योंकि जो पीरियड के पहले का टाइम होता है उसमें कई लोगों को ब्रेस्ट में पेन होता है, या फिर उनको ब्रेस्ट लगता है कि ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, तो फिर उस टाइम पे आपको ठीक से पता नहीं चलेगा। आपको ये कैसे करना है, आप जब स्नान कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में पहले इंस्पेक्शन, मतलब आप देखेंगे कि आपके जो ब्रेस्ट हैं उसको देखने में, वो जो निप्पल है या कोई और ऊपर में स्कार लग रहा है, या कोई और प्रॉब्लम दिख रही है, कोई गांठ दिख रही है, कोई स्वेलिंग दिख रही है, या कुछ ब्रेस्ट में से पानी जैसा निकल रहा है, या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, खून निकल रहा है, या अगर मिल्क सेक्रेशन जैसा निकल रहा है, तो उसको आपको नोट करना है। तो जो इंस्पेक्शन बोलते हैं, जिसमें आप सिर्फ अपने दोनों ब्रेस्ट को देखेंगे कि इसका शेप कैसा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए आप सीधा खड़ा होके आपको शीशे के सामने, मिरर के सामने अपने आप को देखना है। जो एग्जामिनेशन बोल रहे हैं, मतलब आपको अपने फिंगर्स को ऐसे रख के, ठीक है, उससे ये एग्जामिनेशन करना है। तो अगर आप सपोज अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें हर भाग को हमको डिटेल में हमको फील करना है, ठीक है। तो या तो ऐसे करके, या फिर अपने फिंगर्स से आपको पूरा ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है दोनों तरफ का। अगर आप लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट को एग्जामिन करने वाले हैं, तो अपने हाथ को इस लेफ्ट दाहिने बाहें हाथ को आपको ऊपर रखना है। अगर आप दाहिने साइड का एग्जामिनेशन करने वाले हैं, तो राइट हैंड को दाहिने हाथ को ऊपर रख के एग्जामिनेशन करना है। और वो एग्जामिनेशन किस प्रकार आपको करना है, इसके लिए ये अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको इसमें समझ आएगा कि जैसे ये एरोज बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्येक ब्रेस्ट में ये तीनों तरीकों से, ये विधि है, तीनों तरीके से आपको ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है। जैसे आप लेफ्ट साइड का कर रहे हैं, अपने फिंगर्स ऐसे रख के आपको ऊपर से नीचे तक जाके पूरा ब्रेस्ट इससे कवर करना है। उसके बाद उसी ब्रेस्ट में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, फिर से आपको हर 1 सेंटीमीटर को फील करके देखना है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और उसके बाद में एक सर्कुलर मूवमेंट में फिर से आपको, सो इससे आप दोनों जो ब्रेस्ट हैं उसका आप डिटेल तरीके से आप उसको फील कर पाएंगे। अगर उसमें कोई गांठ है, कुछ प्रॉब्लम है, फाइब्रोएडिनोमा होता है कई बार, 2 या 3 सेंटीमीटर की गांठ होती है, तो वो कभी कभी छोटी साइज की भी होती है, तो अगर वो कोई गठाने हैं या कोई डेंस है ब्रेस्ट, या कुछ परेशानी है, दर्द हो रहा है, या कुछ पानी जैसा निकल रहा है, तो फिर आप अपने गायनेक डॉक्टर या अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर को मिलेंगे। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत सिंपल तरीका है। बहुत सारी महिलाओं को जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से खुद वो देखती हैं और उनको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है, और वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो फर्दर टेस्ट होते हैं, मैमोग्राम का टेस्ट होता है, तो अगर इसमें कुछ कैंसर की गुंजाइश है तो उसका बायोप्सी करते हैं, और उसका रिपोर्ट आने के बाद में फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो आसान हो जाती है। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, हो सकता है जो आपका 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का छोटा सा गांठ है, वो धीरे धीरे बढ़ के 3-4 सेंटीमीटर में भी कभी कभी महिलाएं आती हैं कि बहुत बड़ी गांठ हो गई, या जब स्वेलिंग बढ़ जाती है तो
स्किन में चेंजेस आने लग जाते हैं, स्किन फट जाती है, स्किन में पस निकलती है या स्किन में पानी जैसा निकलता है, नहीं तो स्किन में स्कारिंग बोलते हैं, जो ब्रेस्ट की स्किन है उसमें जैसे संतरा बोलते हैं ना, संतरे की स्किन जैसे लगती है उसी प्रकार से लगना शुरू हो जाता है। सो ये जो है लेट स्टेज है। कोई भी कैंसर जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, जैसे स्टेज 3 स्टेज 4 है, तब जो हमारी ट्रीटमेंट है उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ही काम आती है, फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है और 5 ईयर सर्वाइवल भी आपका कम हो जाता है। तो एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सारी महिलाओं को नहीं मालूम है या वो भूल जाते हैं, तो याद रखिए अगर आपका पीरियड आता है ठीक से तो पीरियड के 5वें या 6ठे या 7वें दिन में आप ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, कॉन्शियस होंगे कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर परेशानी है तो मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाऊँगी। अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, आपका मेनोपॉज है और अभी आपका या फिर यूट्रस का सर्जरी हो चुका है, तब भी आपको नहीं भूलना है कि ब्रेस्ट में जो चेंजेस हैं वो कभी भी हो सकते हैं। 60 साल 70 साल की उम्र के बाद में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आते हैं। इसके लिए एक महीने का एक दिन फिक्स कर लीजिए, मे बी पहला संडे या पहली तारीख, जब आप याद रखेंगे कि आप जो है अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करेंगे। तो पीरियड नहीं हो रहा है तो भी महीने में एक दिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन 15 मिनट लगा के अपने शरीर को देखकर उसमें कुछ परेशानी है तो उसको फिर हम उसका इलाज जो है आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगे कि किसी को यूज़फुल होगी, आपकी बहनों को या आपके जो रिलेटिव्स हैं, तो उसको प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे मेरी ये कोशिश है कि इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में जितनी भी हेल्थ अवेयरनेस कॉमन टॉपिक्स पर हैं वो हम दें, जिससे कि जो हेल्थ अवेयरनेस अगर नहीं है तो एक प्रोफेशनल हेल्थ अवेयरनेस और एक आपको सही तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं प्रदान करूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।